तो तुम्हारे भाई ने कर ली पैकिंग और तुम सोच रहे होगे कि पैकिंग किस लिए कर रहा था भाई। आज तुम्हारा भाई जा रहा है उत्तराखंड। वैसे तुम्हें टाइटल देख के पता लग गया होगा, गांव जा रहा हूँ मैं अपने, मेरे भाई और मैं गांव जा रहे हैं इकट्ठे। 2 साल बाद जा रहे हैं हम गांव, 2 साल बाद। ऋषिकेश अगर आपने व्लॉग देखा ही होगा, मेरा लास्ट व्लॉग वही था। और गांव में इस बारी हम रिएक्शन वीडियो लेने वाले हैं क्योंकि हम 2 साल बाद जा रहे हैं और दादी और वो किसी को भी नहीं पता कि हम गांव आ रहे हैं, तो सरप्राइज दे रहे हैं हम, सरप्राइज। तो भाई अभी 6 बज गए हैं और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है और मेरे को अभी 7 बजे निकलना है यहाँ से। 1 घंटा ही पड़ा हुआ है और 1 घंटे में अभी मेरे को बहुत चीज़ें संभालनी है। अभी बाहर गया है मेरा भाई मिठाइयाँ लेने के लिए, तो मुँह मीठा कराएंगे, मुँह मीठा। तो गाइज अभी फिलहाल सब कुछ पैक हो चुका है, बस लगभग थोड़ा बहुत और सामान है जो पैक करना है, अच्छे से पैक करना है, और उसके बाद हम निकलते हैं 17 सेक्टर चंडीगढ़ बस स्टैंड। तो बस स्टैंड में जैसी बस मिलेगी हम उत्तराखंड की बस पकड़ेंगे वहाँ से कोरदार के लिए, और कोरदार के बाद हम जाएंगे सतपुली, और सतपुली के बाद आएगा हम वड्डा, और वड्डा के बाद हमारा गाँव गुइलानी। तो गाइज हमारा गाँव का नाम है गुइलानी और हम चंडीगढ़ टू गुइलानी तक के लिए उत्तराखंड के लिए ट्रैवल करेंगे, चंडीगढ़ टू उत्तराखंड। तो तब तक के लिए मैं पैकिंग वुकिंग करता हूँ गाइज, उसके बाद आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो भैया, क्या हाल है भाई? तो हेलो गाइज, अभी हम निकल गए 17 सेक्टर के लिए। कितने बजे की होगी ब्राउन बस हमारी? 9 बजे की बस है और अभी हमें पहुंचना है वहां पर 8 बजे, मतलब टिकट काउंटर से ऐसे खुल जाएगा और हमें 9 बजे की बस पकड़नी है। तो ये व्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है, तो देख लेना पूरा देखना एंड तक। उत्तराखंड की जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रहे, बस हम यही दुआ करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए मिलेंगे 17 सेक्टर पे अभी, और अभी हमें गौरीडला ट्राईपोर्ट भी ले सकते हैं हम, तो वहाँ पर मार्केट है एक निकॉन की, ताकि हम एक ट्राईपोर्ट चेक करेंगे। In silence, with blindness, through darkness, I'll walk with you. When time's up, when they find us, I promise I'll be with you. I signed up. कहाँ थे आप? सऊदी अरेबिया। सऊदी? अच्छा, वहाँ के लोग कैसे होते हैं? जानवर होते हैं, हाथी जैसे। इतने बड़े बड़े डाकू, दांत होठों से बाहर, उनकी थूक निकलती है भैया, लार निकलती है उनकी। ऐसे वो कौन से इंसान थोड़ी ना, हैवान है, हैवान गुरखे में तो परी है भाई। वही परियां तो खा जाती हैं, वो खड़ी तो थी परी एक जो भूत जी से बता रहे थे। आपकी है कोई गर्लफ्रेंड दोनों में से किसी की? नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। फिर तो छड़ा गाना चलना चाहिए। गाइस हम अभी 17 सेक्टर पहुंच गए हैं, बस भाग रही हैं ये रही बस, पर हमने इस वाली बस में नहीं जाना, हमने उत्तराखंड वाली बस में जाना, तो हम उत्तराखंड वाली बस में निकलेंगे। तो गाइस अभी हम आए निकॉन के शोरूम में, और अभी हमने ट्राईपोड चेक करना है और हेडफोन चेक करने हैं, मतलब लेने हैं, चेक नहीं करने, लेने हैं। और ट्राईपोड के लिए आए थे, देखते अगर ट्राईपोड अच्छा लगा तो ट्राईपोड ले लेंगे, क्योंकि हाथ में पकड़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कैमरा। फोन नहीं लेना, मैं भी आऊँ। आ जाओ, आ गई। गोरिल्ला ट्राईपोड पता नहीं यहाँ पर कितने का होगा, पर एक बार चेक कर लेंगे कि कितना होगा। यही है रमन, ये कलो पहले हमें हाँ बोल दिया कि हाँ ट्राईपोड है, और जैसे ही वीडियो ऑफ करवा दी उसके बाद कहते नहीं है। ऐसे भी लोग रेटिंग गिर जाती है, कहते दुकान की रेटिंग गिर जाती है, तो इसलिए। और गाइज अभी हम लेट हो सकते हैं क्योंकि हमें टिकट भी लेनी है काफ़ी, तो चलते हैं ना। कहाँ पर है यार, जल्दी जल्दी चल यार, टिकट भी लेनी है अभी, 8 बजेंगे तो हो जाएगा। हाँ यार भाई, तू एक काम कर, तू टिकट काउंटर पर जाएगा, पैसे पकड़ ले। अभी नहीं, 8 बजे तक का होगा अभी।
तो पहले लाइन तो पहले से ही लगेगा? नहीं 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 लगेगी, टेंशन ना ले, बस ट्राइपॉड मिल जाए और हेडफोन्स मिल जाए तो ठीक रहेगा। बस ये कितने का? ये 800 का, और वो लाइन पे ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं। ये सही है, इसमें लगाओ, बहुत सही है। तो गाइज अभी मैंने ये वाला ट्राईपोर्ट लिया, ये वाला 600 का पड़ा है मार्केट का, और ठीक है, ठीक है। और वो जो पहले दिखाई थी एक्स्ट्रा वाला, ये 2500 का है, ये 2500 की है। और अगर कोई कंपनी में 8 बजने वाले अरमन, 8 बजने वाले हैं, हाँ जल्दी ले ले, कोई भी ले ले चलेगा। तो गाइज अभी मैंने ट्राईपोर्ट लिया है, ट्राईपोर्ट से कितना फ़र्क आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है मुझे तो। अरे भाई बस छूट जाएगी हमारी, वैसे 9 बजे जाएगी, पर हमें टिकट भी लेनी है और खिड़की वाली साइड लेनी है, इसलिए है लेट हो रहे हैं। बस कहाँ से आएगी, मेरे हिसाब से उन्होंने बंद कर दिया यार, बंद कर दिया ये वाला, बंद कर दिया। अरे भाई पंगा हो जाएगा, बस बंद कर दिया अगर नीचे से चलते। नहीं नहीं दूसरा बैग वहीं रह गया यार, क्या हमें इतनी जल्दी बाजी हो गया, हम अपना बैग ही भूला है शॉप पे। तो अभी रमन लेने गया है फटाफट। हेलो गाइस, ये सोनी की एक्स्ट्रा बेस लीड है हेडफोन्स, और ये काफ़ी ज़्यादा सही हैं। इस भाई साहब ने सीधा टेस्ट करा और टेस्ट करते सीधा सिलेक्ट। तो भाई इसका MRP होगा 2500 रुपये, आप इसे ले सकते हैं, आपको मर्जी आपकी लेनी है ले लो। बाकी तो कोई पता नहीं भाई, सांस मिल रही है, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दे रहा मैं, थोड़ा फोटो तो मिल जाएगी आपको, थोड़ी मेहनत करो ढूंढो। कोटद्वार कोटद्वार 2 सीट करनी है, और 2 वाली नहीं करना, वो 3 वाली नहीं करना। तो गाइज टिकट हो चुकी हैं, और अब जाके टिकट हो गई है, 2 टिकटें मिल चुकी हैं, और फाइनली हम अब उत्तराखंड जा रहे हैं। तो अब हमने ट्राईपोर्ट भी ले लिया, गोरिल्ला ट्राईपोर्ट, माइक भी है तुम्हारे भाई के पास, अब थोड़ा अमीरों वाला व्लॉग बन सकता है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना अच्छा व्लॉग बनाता हूँ। बाकी तो गाइज खुशी इस बात की है कि 2 साल बाद गाँव जा रहे हैं लौंडे, और अभी हमारी बस खड़ी होगी उस साइड से, उस साइड एक जगह है उसके उधर को है, हमारी बस आएगी, और यहाँ पर से अभी ऋषिकेश और ऋषिकेश की बसें यहाँ पर खड़ी होती है, आई थिंक ऋषिकेश की बस ये थी, ऋषिकेश की बस ये है। और तुम्हारा भाई कोई ऐसे सज धज के नहीं जा रहा है, चप्पलों में जा रहा है, चप्पलों में जा रहा तुम्हारा भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं कह रहा, सीटें सारी बुक थी, 3 वाली में मिली है, तूने कलोल नहीं सुनी यार, कलोल हो रही थी, ब्लॉग में आना चाहिए था तेरे को, कहते कोई, मैंने कहा यार मेरे को बता, कहता ऑनलाइन बुक हो रखी सारी, मैंने कहा मेरे को बता देता मैं ऑनलाइन कर देता, कहता अपनी VIP बस है ना ऑनलाइन नहीं मिलती, कह रहे खोज नहीं पड़ती UTC की साइड गवर्नमेंट वाले, मैंने कहा ये कहाँ है, कहता यही तो बात किसी को मिलती नहीं, मैंने कहा फिर भी होगी बुक, कह रहा हाँ होगी होगी, कहता हम करके दे देते हैं ना ऑनलाइन पहले 1-2 दिन पहले। अब हमारी ऑनलाइन बुक हो गया, अब अनबॉक्सिंग हम बस स्टैंड में अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी, और फटाफट जल्दी रमन फिल्म जा रही है, थोड़ी फुटेज मत ले ज़्यादा। तो अनबॉक्सिंग गाइस ऐसी दिखती है, ये आपको लीडें दिखेंगी, बी रोल्स जल्दी बी रोल्स फटाफट में ये आपको, इसके साथ में एक फ्री पाउच भी मिलेगा सोनी की तरफ से भाई। ये थोड़ा ईयरबड्स दी हुई हैं, पेपर वर्क, देन एक पाउच, और ये हम तो इसको वापस से अनबॉक्सिंग को बंद कर रहे हैं, ये बैग इसको हाँ बोले वहीं बैठ जाती है बैग। चलिए तो अभी 8:30 बजे हमारी बस आएगी और लग जाएगी, उसके बाद हम दोनों भाई उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अब हम थोड़े अमीर वाले व्लॉगर लग रहे हैं थोड़े से, इतने से, क्योंकि 600 का ट्राईपोर्ट हमने एक्सटेंडर लिया है, हाँ तो हमने ऐसी ले लिया, थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब थोड़ी व्लॉगिंग करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, अब थोड़ा लोगों को ऐसे लगेगा कि हाँ लोग ऐसे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, ऐसे पता नहीं अब कैसे रिएक्शन दिखेंगे, पर लोगों के रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बस लगी है यहाँ, ये बैग शैतान, मैं कहता रहा हूँ तो बस आ चुकी है, बस के पास जा रहे हैं, और 32-32 सीट है,
दिल्ली 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 वाले भगो दिल्ली दिल्ली भगो भाई। ये भी नहीं है फ्री हिमाचल वाली की लेगी। टाइम हो तो गया यार वैसे। हाँ टाइम हो तो गया पूरा। अभी बस नंबर ये तो है, यही तो है बस नंबर। नहीं देखा जा रहा तेरे से ऊपर, ये जो है तो कहाँ है 90 नाइन है वो जीरो नहीं है। वैसे यार उसने देख पहले क्या किया है, देख ये देख पहले 9 बनाया फिर शायद 3 किया हुआ है। वही कह रहा हूँ मैं 3077 यही है यार। ये एक मिनट रुक जा, बस नंबर भैया बस नंबर क्या होगा आपका, टिकट पे देखना बस नंबर क्या होगा। हाँ कोर्ट द्वार है ना, हाँ बस यही है। चला कौन सा वाला, चल 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 आगे ना, बस चेंज कर दी। हाँ बस चेंज कर दिया, वही कह रहा हूँ पहले दूसरी होती थी। चल पानी की बोतल लेके आ, तू ले कह रहा मैं जाऊँ, मैं जाता हूँ तू यहीं रुक। और वो भैया देख रहे हैं, वो भैया देख रहे हैं, हेलो कर दो भैया। मोड़ी गया भैया, कैमरे में बैटरी नहीं है। अगर आगे आगे वाले ब्लॉग अगर मैं फ़ोन से करूँ तो कोई बात नहीं है। और आपको अब हम सीधा मिलेंगे ढाबे पे। ढाबे पे ओके गाइस, ओके बाय 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 बाय। तो गाइस वो है हमारा गांव, वो रहा सरप्राइज दादी। बोल दे रहा बस बस मिलेंगे ना सरप्राइज दिन। I'm acting new, we sweat drops.